सो गाइस यार, आज की इस वाली वीडियो में मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ हार्डकोर मोड फॉर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन, जो कि जावा एडिशन में होता है, आपको पॉकेट एडिशन में नहीं मिलता, बट इस एड ऑन के बाद आप उसे पॉकेट एडिशन में भी खेलते रहोगे। तो वीडियो को फुल वॉच करते रहना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इस बार मैं फुल प्रोसेस दिखाऊँगा आपको कैसे आप इसे एक्टिवेट करना है। और जो भी चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और वीडियो को भी लाइक ज़रूर से कर देना। और हाँ, अभी कुछ ही दिनों में मिथ बस्टर पे भी वीडियो आने वाली है, तो जाके अपने अपने मिथ कमेंट ज़रूर से कर देना और अपना नाम भी मेरे को कमेंट कर देना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में चले जाना है, वहाँ पे आपको एक लिंक मिल जाएगी, डायरेक्ट मीडिया फायर के लिंक के जाके डाउनलोड कर लेना, फिर माइनक्राफ्ट में इंपोर्ट कर लेना। उसके बाद सिंपली आपको अपनी माइनक्राफ्ट की सेटिंग्स में आ जाना और नीचे स्क्रॉल करके आपको एक ग्लोबल रिसोर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, उस पर सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको माय पैक्स पे क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पे आपको एक हार्डकोर मोड का एक ऑप्शन मतलब एड ऑन दिखेगा। सिंपली बस आपको उसे क्लिक करके उस पर आपको नीचे आपको एक एक्टिवेट का ऑप्शन दिखेगा, बस उसे आपको एक्टिवेट कर लेना है। तो ये देखो एक्टिवेट हो चुका है। उसके बाद सिंपली आपको बैक चले जाना है। बैक जाने के बाद सिंपली बस आपको कुछ नहीं करना है, उसके बाद आपको प्ले पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक वर्ल्ड क्रिएट करना है। तो ये देखो मैं सिंपली बस एक वर्ल्ड क्रिएट करता हूँ और उसके बाद आपको यहाँ पर लेफ्ट साइड में नीचे स्क्रॉल करना है और आपको एक रिसोर्स पैक का ऑप्शन दिखेगा, तो उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। यहाँ पे आपको दोबारा से माय पैक्स में जाना है एंड यहाँ पे भी आपको उसी पैक को एक्टिवेट कर देना है। और उसके बाद सिंपली बस आपको गेम पे क्लिक करना है और मैं आपको दिखा दूँ, आपका हार्डकोर मोड एक्टिवेट हो जाएगा। और ये दिखाने के लिए सिर्फ सर्वाइवल है, बट ये एकदम हार्डकोर जैसा है, ये यहाँ पर बस लिखा रहा है। और ये देखो आपकी डिफ़िकल्टी भी हार्ड हो जाएगी, यहाँ से आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, आप सर्वाइवल से क्रिएटिव भी नहीं कर सकते इस एड ऑन के बाद, और उसके बाद आप डिफ़िकल्टी को भी इजी नहीं कर सकते। उसके बाद आपको एक चेक करना है आपको ये वाला ऑप्शन ऑन है कि नहीं, अगर आपके में ऑन है तो ठीक है, वरना तो उसे ऑन कर देना और सिंपली वर्ल्ड क्रिएट कर देना। और वर्ल्ड क्रिएट करने के बाद ये देखो मेरा वर्ल्ड क्रिएट हो चुका है। और एक बार मैं आपको दिखा दूँ, एक बार अगर आप मर गए तो इसमें आप दोबारा से स्पॉन नहीं हो सकते। तो मैं सबसे पहले ऊपर तक बिल्ड करता हूँ, ये देखो मैं ऊपर तक बिल्ड कर लिया। और लास्ट बार एक और बार इस वर्ल्ड को देख लेते हैं हम, तो ये देखो इतना ज़्यादा प्यारा वर्ल्ड। और एक बार मैं आपको गिर के दिखाऊंगा इतनी ऊंचाई से कि ये देखो, एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ वही वाला वर्ल्ड है। देखो हार्डकोर भी सिलेक्ट हो रखा है और डिफ़िकल्टी भी हार्ड सिलेक्ट हो रखी है। तो मैं सिंपली बैक जाता हूँ और यहाँ से आपको कूद के दिखाता हूँ। तो ये देखो मैं यहाँ से कूदता हूँ और ये देखो मैं यहाँ से मर गया। मरने के बाद यहाँ देखो मेरे को रिस्पॉन का ऑप्शन नहीं दिख रहा, सिंपली बस मेन मेन्यू का ऑप्शन दिख रहा है, जिस पर सिंपली क्लिक करके मैं इस वर्ल्ड को क्विट कर सकता हूँ। और उसके बाद मैं इस वर्ल्ड को किसी भी तरीके से एक्सेस नहीं कर सकता। तो ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को जाके लाइक कर देना। इस वीडियो पे मैं एम करता हूँ पूरे 10 लाइक्स की तरह, तो इस वाले एम को भी ज़रूर से कंप्लीट कराने की कोशिश कर देना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। और आज की वाली वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड।